सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मारुति ऑल्टो एलएक्सआई वेरिएंट 2021 का फुल रिव्यू दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार के फुल फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप एक मारुति कार लवर हो तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना और कैसा है ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस रिव्यू वीडियो को। सो गाइस, ये है मारुति ऑल्टो रेड कलर में। मारुति ऑल्टो सबसे ज़्यादा इसी कलर में बिकती है। वैसे आपको इस कार में टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सिल्वर, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और वाइट। लेकिन सबसे ज़्यादा बिकती है यही कलर, रेड कलर। आप जैसे कि देख सकते हो, रेड कलर में मारुति ऑल्टो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही गुड लुकिंग लगती है देखने में। सो गाइस, कार सामने से कुछ ऐसा दिखता है। अब चलिए फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये रहा इसका वॉशर, और इसके ठीक ऊपर आप लोगों को दो वाइपर ब्लेड्स मिल जाते हैं, जिसके मदद से आप अपने विंडशील्ड को साफ सुथरा रख पाओगे। बोनेट के ठीक नीचे की तरफ आप लोगों को मिडिल में मिल जाता है सुजुकी का लोगो, और नीचे की तरफ आप लोगों को मिल जाता है ब्लैक कलर में हनीकॉम पैटर्न का ग्रिल, और दोनों ही साइड में आप लोगों को हैलोजन सेटअप की हेडलैम्प और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। ये एलएक्सआई वेरिएंट है, इसमें आप लोगों को फॉग लाइट नहीं मिलता, सिर्फ उसका हाउसिंग मिलता है। अगर आप लोग चाहते हो फॉग लाइट तो आप आफ्टर मार्केट से लगा सकते हो या शोरूम से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग आफ्टर मार्केट से ही लगाओ, क्योंकि शोरूम पर आप लोगों को महंगा मिलेगा। अब चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं, और साइड प्रोफाइल कैसा दिखता है आप लोग देख सकते हो। साइड प्रोफाइल में मारुति ऑल्टो कुछ ऐसा दिखता है। फेंडर में आप लोगों को टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, और फेंडर के ठीक नीचे की तरफ आप लोगों को 12 इंचेस का रेडियल टायर मिल जाता है। मारुति ऑल्टो में आप लोगों को स्टील रिम्स मिलता है, कोई भी अलॉय व्हील्स आप लोगों को नहीं मिलता। आप चाहे ऊपर का वेरिएंट खरीदिए या एलएक्सआई वेरिएंट खरीदिए, आपको स्टील रिम्स ही मिलता है। आपको इसमें व्हील कैप्स मिल जाएगा। कार के ऊपर की तरफ आप लोगों को एंटेना लगाने का जगह मिल जाता है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में मिल जाता है, और डोर के नीचे की तरफ आप लोगों को ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ये तो हो गई साइड प्रोफाइल की बात। आप चलिए पीछे की तरफ, और पीछे क्या कुछ है आप लोग देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऊपर की तरफ आप लोगों को मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, उसके ठीक नीचे आप लोगों को मिल जाता है मिडिल में सुजुकी का लोगो, और सुजुकी के लोगो के ठीक नीचे आप लोगों को मिल जाता है की होल, और साइड में आप लोगों को ऑल्टो का बैजिंग मिल जाता है, और दो टेल लैंप्स मिल जाता है जो कि अगेन हैलोजन टेल लैंप्स है। अब चलिए बूट को ओपन करते हैं, और बूट में आप लोगों को क्या कुछ मिलता है अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हो ऑल्टो में आप लोगों को टोटल क्या बूट स्पेस मिलता है। इसके ठीक नीचे आप लोगों को मिल जाता है 12 इंचेस का स्पीयर व्हील। बाहर से कार में जो भी फीचर्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। अब चलिए कार के अंदर चलते हैं, लेकिन कार के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इस कार में कितने सेफ्टी फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। सो गाइस, इस कार में आप लोगों को मिलता है सिर्फ ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS विथ EBD, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, और पीछे की डोर्स में आप लोगों को मिल जाएगा चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स। ड्राइवर साइड डोर में आप लोग देख सकते हो आप लोगों को क्या कुछ मिलता है। अब चलिए अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ मिलता है आप लोग देख सकते हो।
ये रहा इसका हेडलैम्प लेवलियर का स्विच, और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो राउंड शेप में एसी वेंट मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग इस कार के की को लगा सकते हो। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को बूट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है। आप लोग इंजन को खोलना चाहते हो तो उसका लीवर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यह है इस कार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। डिजिटल क्लस्टर आपको ऑल्टो में नहीं मिलता। यह है इसका स्टीयरिंग व्हील। 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑल्टो एलेक्साई में मिल जाता है। मिडिल में आप लोगों को सुजुकी का क्रोम लोगो मिल जाता है, और स्टीयरिंग के साइड में ही आप लोगों को हेडलैम्प अपर डिपर करने का स्विच और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर एडजस्ट करने का स्विच या कंट्रोलर मिल जाता है। मिडिल में आप लोगों को और 2 AC वेंट मिलता है, और एसी वेंट के मिडिल में आप लोगों को हैजर्ड लाइट मिल जाता है। नीचे की तरफ आप जो म्यूजिक सिस्टम देख रहे हो वो इस एलेक्सा वेरिएंट का हिस्सा नहीं है, इसको अलग से लगवाया गया है। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो मैनुअल एसी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इस कार का जो ड्रॉबैक है वो है, अगर आप इस कार में एसी को ऑन करते हो और टोटल 5 पैसेंजर्स को बिठाते हो तो ये कार का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाती है। और यह है इसका 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हैंड ब्रेक के मिडिल में आप लोगों को फ्रंट 2 पावर विंडोज मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कैसे ये काम करता है। इस कार में आप लोगों को सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडोज मिलता है, पीछे की तरफ कोई भी पावर विंडोज नहीं मिलता, आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। और यह है इस कार का हैंड ब्रेक। पैसेंजर साइड में आप लोगों को नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। और पैसेंजर साइड में ही गोल्ड कलर में एक और एसी वेंट दिया गया है सिल्वर लाइनिंग के साथ। और यहां पर भी आप लोग देख सकते हो पैसेंजर साइड में भी आप लोगों को सिल्वर लाइनिंग में डोर हैंडल्स और नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह दिया गया है। और रूफ की तरफ दोनों ही साइड में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही साइड में आप लोगों को सन विजर मिल जाता है, और मिडिल में आप लोगों को रूम लाइट या फिर केबिन लाइट मिल जाता है, और नीचे आपको IRVM मिल जाता है। और ये है इसका पैसेंजर साइड ग्रैब हैंडल। और ये रहा इसका मैनुअल ORVM। ये भी एक ड्रॉबैक है, आपको बार बार शीशे को नीचे करना पड़ेगा और इस ORVM को एडजस्ट करना पड़ेगा, आप अंदर से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये भी एलेक्स वेरिएंट में आप लोगों को एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। सो गाइस, चलिए अब पीछे की तरफ चलते हैं। फ्रंट में जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो पीछे भी आप लोग देख सकते हो वही सब कुछ आप लोगों को मिलता है, सिर्फ एक अलग यहाँ पर आपको मिलता है वो है मैनुअली एडजस्ट करने वाला विंडो। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक विंडो नहीं मिलता, मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खैर चलिए अब अंदर बैठकर देखते हैं कैसा पेस आपको मिलता है। ड्राइवर सीट को मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, और एडजस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत ही कम जगह बची हुई है, मुझे थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है पीछे बैठने में। और ये रहा इसका ग्रैब हैंडल। इस कार में आप लोगों को टोटल 3 ग्रैब हैंडल मिलता है, ड्राइवर साइड में नहीं मिलता। ये रहा दूसरा ग्रैब हैंडल। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस कार में फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। पीछे और कुछ बचा नहीं बताने को, आप चलिए इस कार के इंजन को एक बार ओपन करके देखते हैं। इस लीवर को खींचने के बाद
कार का जो इंजन बे है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए कार को एक बार ओपन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस कार में आप लोगों को 3 सिलेंडर 800 सीसी का इंजन मिलता है, जो 47 bhp का पावर और 69 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो इस छोटी सी कार के लिए सफिशियंट है। लेकिन अगर आप इस कार का एसी ऑन करते हो और 5 पैसेंजर अगर आप बैठा लेते हो, तो इस कार का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो जाती है, जो ऑल्टो का बहुत ही खराब ड्रॉबैक है, क्योंकि ये एक छोटी साइज की कार है और इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसीलिए अगर आप इस कार में एसी का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। सो गाइस, ये था ऑल्टो LXi वेरिएंट का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये रिव्यू वीडियो, कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विथ ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।